तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो एक भाई का कमेंट था दोस्तों कि आप मुझे ये बताइए भिंडी का अभी थोक भाव क्या चल रहा है, थोक रेट में जो मंडी भाव है दोस्तों वो क्या चल रहा है, इसके विषय पर जानकारी दीजिए। तो दोस्तों मैं भी कुछ जो अपनी सब्जियां थी जो कि भिंडी थी, लगभग अपने घरेलू उपयोग से थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा निकलने के कारण मैं उसको सब्जी मंडी लेकर गया हुआ था और वहाँ पर मुझे जाकर देखने को मिलता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो सब्जियां हैं भिंडी है वो दिखाई दे रहे थे, क्योंकि मैं लगभग 8 से 10 केजी के आसपास ही लेके गया था। लेकिन वहां जाते ही जो पता चलता है कि वहां बहुत सारे जो भिंडियां हैं वो दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों सब्जियों बहुत ज़्यादा सब्जियां होने के बावजूद भी जो सब्जियों के रेट है बहुत ही हाई फाई देखने को मिल रहे थे, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही दोस्तों हमारे तरफ बहुत ज़्यादा बरसात होने के कारण सभी प्रकार की जो सब्जियाँ खेतों में लगे थे वो नष्ट हो चुके थे। ऐसे में सब्जियों के बहुत ज़्यादा दाम देखने को मिला है। और फिलहाल जो भिंडी का रेट मैं आपको बता दूं, अभी फ़िलहाल में चल रहा है दोस्तों 35 से 40 रुपए थोक भाव में, और भिंडी भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी, देख सकते हैं कुछ ही इस तरीके से किसान द्वारा अपने कैरेट में सजा कर लाया हुआ था, जो कि देखने में बहुत ही कूल और बहुत ही ग्रीन और बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहे थे। बाकी जो मैं भिंडी लाया था वो बिक के जो ख़रीदार है वो लेकर चले गए हैं। तो अभी सभी सब्जियों के दोस्तों आप रेट देखने को मिलेंगे 30 से प्लस ही देखने को मिलेंगे, 30 रुपये 35 रुपये 40 रुपये बहुत ही अच्छे खासे अभी किसानों को जो सब्जियों के दाम हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो भिंडी भी कुछ इसी सीरीज में दोस्तों लगभग 35 से 40 रुपये ही जो भिंडी की क्वालिटी देख देख के 5 रुपये 6 रुपये के अंतर में ही बिक रहे थे, बाकी इतने में किसान बहुत संतुष्ट है। अभी फ़िलहाल जो सब्जियों के दाम ऐसा ज्ञात हो रहा है कि कुछ दिनों तक दोस्तों सब्जियों के दाम कुछ इसी तरीके से हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी सब्जियों के शॉर्टेज है और बहुत सारी